Hey everyone, this is Shivani and welcome back to my channel Live Heartly. दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से राखी बनाऊंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है कॉटन फैब्रिक, आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। फैब्रिक को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। पेंसिल की हेल्प से मैंने इस पे डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको ड्रॉइंग नहीं आती है तो आप कार्बन की हेल्प से इस पे डिजाइन ट्रेस भी कर सकते हैं। इस पे अब मैं करूँगी एम्ब्रॉयडरी। मैंने स्टिचिंग थ्रेड का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास सिल्क या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नहीं है। आपके पास अगर सिल्क या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है तो आप वह यूज़ करें। यह थ्रेड बहुत ही पतला होता है, इसलिए मैंने इसको चार बार फोल्ड करके यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसे हाफ में फोल्ड कर दिया है, उसके बाद बराबर करते हुए मैंने इसे फिर से फोल्ड करके चार लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इस थ्रेड को नीडल में इंसर्ट करेंगे। अगर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंगल लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मोटा होता है और यह जो नॉर्मल थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ वह काफ़ी पतला था, इसलिए मैंने इसे चार लेयर में यूज़ किया है। नीडल में थ्रेड डालने के बाद अब हम एक साइड इसके नॉट लगा लेंगे। दोनों थ्रेड में हमें नॉट नहीं लगाना है, बस एक साइड नॉट लगाना है। ऐसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड को रेडी कर लूँगी। सारे थ्रेड को मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए रेडी कर लिया है। अब हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। मैंने एम्ब्रॉयडरी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह मैं लीफ की डिज़ाइन को थ्रेड से कवर कर रही हूँ। जो नॉर्मल हम स्टिचिंग करते हैं वही मेथड मैंने फॉलो किया है। बेसिकली जैसे हम कलर से डिज़ाइन को फिल करते हैं, यहाँ हम थ्रेड से डिज़ाइन को कवर करेंगे। मैं एम्ब्रॉयडरी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक सी डिज़ाइन बनाई है। अगर आपको पहले से एम्ब्रॉयडरी आता है तो आप अपने स्टाइल से इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए जितने भी लीव्स की डिज़ाइन है उसे थ्रेड से कवर कर लेंगे। लीव की डिज़ाइन पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद जो दूसरी साइड मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है उसको कवर करने के लिए मैं लाइट ग्रीन थ्रेड का ही यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल स्टिचिंग मेथड ही यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल जब हम स्टिचिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हम स्टिचिंग करते हैं। इसमें हमें ऊपर की तरफ नीडल को निकालना है और पीछे के साइड हमें नीडल को इंसर्ट करना है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लाइन को कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे करना कितना आसान है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थ्रेड के बीच में कोई भी गैप ना दिखे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसे कंप्लीट करना है। जिस भी कलर के थ्रेड से डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कपड़े के पीछे साइड थ्रेड को लॉक जरूर कर देंगे। नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं तो उसके बाद सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम लॉक कर देते हैं ताकि धागा खुले नहीं। सेम उसी मेथड को हमें यूज़ करना है और यहाँ हमें थ्रेड को लॉक कर देना है ताकि बाद में डिज़ाइन जो हमने बनाई है वह खुले नहीं। जिस साइड हमने लीफ की डिज़ाइन बनाई है उस साइड की लाइन को कवर करने के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर के थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ। और सेम हमने जो दूसरे साइड लाइन को कवर किया था उसी मेथड को फॉलो करते हुए इस साइड की लाइन को भी कवर कर लेंगे। डिज़ाइन कवर करने के बाद मैं यह थ्रेड को लॉक कर लूँगी। जिस मेथड से मैंने लीफ की डिज़ाइन को लाइट ग्रीन के थ्रेड से कवर किया है सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पिंक कलर के थ्रेड से फ्लावर के लीफ को कवर करूँगी। मेथड से पिंक कलर के थ्रेड से फ्लावर के जितने भी लीफ से उसी थ्रेड से कवर कर लेंगे। फ्लावर के लीफ को कवर करने के बाद यह काफ़ी अच्छा लगने लगा है। इसके सेंटर में जो सर्कल वाली स्पेस खाली है उसे कवर करने के लिए मैं येलो थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। और इसे कवर करने के लिए आप नॉर्मल जैसे लीफ की डिज़ाइन हमने बनाई है उस मेथड से भी कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ सर्कल के बीच में क्रॉस की डिज़ाइन बना रही हूँ थ्रेड से, और उसके बाद थ्रेड को हम ऊपर के साइड ही रखते हुए जो क्रॉस वाली डिज़ाइन हमने बनाई है उसमें हम नीडल को रोल करते हुए सर्कल का शेप देंगे। और जब सर्कल का शेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नीडल को कपड़े के नीचे के साइड इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को लॉक कर लेंगे। एक साइड का एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे साइड की एम्ब्रॉयडरी को कम्प्लीट कर लेंगे। तो जो इसमें फ्लावर के बर्ड्स हैं उसको बनाने के लिए मैं येलो थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ।
और फ्लैट या बर्ड को बनाने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए पहले नीडल को नीचे से फैब्रिक के ऊपर लाएंगे, उसके बाद नीडल को फैब्रिक के बीच में निकालते हुए होल्ड करेंगे और जितना बड़ा आपको बर्ड बनाना है उतनी बार हम नीडल में थ्रेड को रोल करेंगे। मैं यहाँ 5 बार नीडल पे थ्रेड को रोल कर रही हूँ। रोल करने के बाद हम थ्रेड को खींचेंगे और अच्छी तरह खींचने के बाद नीडल को फैब्रिक के नीचे के साइड ले जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जितने भी बर्ड्स हैं उसे बना लेंगे और बर्ड्स बनाने के बाद हम थ्रेड को लॉक कर लेंगे। येलो थ्रेड से मैंने सारे बर्ड्स को कवर कर लिया है और सेम मेथड से पीच कलर के थ्रेड से मैंने उसमें फ्लावर्स बना लिए हैं। तो एम्ब्रॉयडरी का काम कंप्लीट हो गया है। अब जो मैंने जो प्यारा लिखा था उसके एंड में जो ए है उसको भी बर्ड समझ के मैंने येलो थ्रेड से कवर कर लिया है। तो आप मेरे इस मिस्टेक से सीख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से आप एम्ब्रॉयडरी करें क्योंकि एक मिस्टेक से डिज़ाइन बिगड़ सकता है। बट कोई नहीं, प्यारा भाई को लिखने के लिए मैं यहाँ 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। अगर ए को फ्लावर का बर्ड समझ के मैं कवर नहीं करती तो मैं इस प्यारा भाई पे एम्ब्रॉयडरी ही करती। एम्ब्रॉयडरी करने से इसका और अच्छा लुक आता। बट कोई नहीं, गलती से ही हम सीखते हैं और आप भी मेरी इस गलती से सीख सकते हैं कि हमें जब एम्ब्रॉयडरी का काम करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है कि आप भी मेरी तरह यह मिस्टेक ना करो। 3D आउटलाइनर ट्यूब से लिखने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। यह कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अभी इसका बेस बनाने के लिए मैं बुकरम का यूज़ कर रही हूँ। आप बुकरम की जगह कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं राउंड शेप में कट करूँगी। जो हमने एम्ब्रॉयडरी का बेस बनाया है उसके अकॉर्डिंग बेस रबिंग लेते हुए हम बुकरम के बेस को कट कर लेंगे। इसी साइज का एक और सर्कल हम बुकरम के पीस से कट कर लेंगे। सेम फैब्रिक के पीस को यूज़ करते हुए हम बुकरम के पीस को कवर करेंगे। तो आप इसे स्टिक करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बुकरम यूज़ कर रही हूँ उसके एक साइड ग्लू है जिससे हम फैब्रिक को स्टिक कर सकते हैं। तो इसे मैं फैब्रिक के बीच में रख रही हूँ और गर्म आयरन की हेल्प से हम इसे स्टिक करेंगे। तो जिस भी मटेरियल का आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उतना ही आप आयरन को हीट करें और उसके बाद आप उसकी हेल्प से बुकरम को कपड़े पर स्टिक कर लें। जिस फैब्रिक पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है उसके ऊपर मैं आयरन को नहीं रख रही हूँ। जो बुकरम वाला साइड है उस पर मैं आयरन रख रही हूँ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले साइड पे मैंने 3D आउटलाइनर से लिखा है और उस पर अगर मैं गर्म प्रेस रखूँगी तो वह ख़राब हो जाएगा। जो दूसरे पीस का फैब्रिक है उसे 1 सेंटीमीटर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के हम इसे राउंड में कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है उसमें हम थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा लेंगे। इसे स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिलिकॉन ग्लू या कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। आप फेविकॉल का यूज़ ना करें क्योंकि फेविकॉल से यह स्टिक नहीं होगा, इसलिए आप कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू ही यूज़ करें। दोनों बेस पे फैब्रिक स्टिक करने के बाद अब हम इसे आपस में स्टिक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बीच में हम थ्रेड स्टिक कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं सेंटर में मैंने थ्रेड को स्टिक कर लिया है और अच्छे से ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर वाला बेस भी हम स्टिक कर लेंगे। इसके साइड को डेकोरेट करने के लिए मैं मोती का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टोन है या फिर नग वाली लड़ी है तो उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं 5-5 मोती का ग्रुप बनाते हुए इसके साइड को कवर कर रही हूँ। आप इसे किसी भी तरह से कवर कर सकते हैं। इसमें जो मैंने प्यारा भाई लिखा है उसे थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैं 3D आउटलाइनर ट्यूब से इस पे डबल कोट कर रही हूँ और कहीं कहीं पे मैंने इससे हार्ट भी बना दिया है और यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। मुझे लग रहा था जो मैंने इस राखी में मिस्टेक की है उसकी वजह से यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा एफर्ट डालने के बाद यह काफ़ी अच्छा लगने लगा है। दूसरी राखी बनाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक और बुकरम का यूज़ किया है और बुकरम को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और सेम आयरन की हेल्प से मैं बुकरम को फैब्रिक पे स्टिक करूँगी और सेम मेथड यूज़ करते हुए हम फैब्रिक को राउंड शेप में कट करेंगे और उसे बुकरम पे स्टिक कर लेंगे। अब इसके बीच में ग्लू गन की हेल्प से हम थ्रेड स्टिक कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा बेस इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। राखी का बेस बनाने के बाद इसे डेकोरेट करने के लिए मैं आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। यह आपको ऑनलाइन या किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आपके पास यह फ्लावर और लीफ नहीं है तो आप सुपर एयर ड्राई या फिर मोल्डेड क्ले की हेल्प से फ्लावर और लीफ बना सकते हैं। ग्लू गन की हेल्प से हम फ्लावर और लीफ को स्टिक कर लेंगे। 3D आउटलाइनर ट्यूब की हेल्प से मैं इस पर लिखूंगी क्यूट प्रो। बे
बेस के साइड को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ कुंदन स्टोन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कुंदन स्टोन नहीं है तो आप कोई नॉर्मल स्टोन या फिर मोती से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कुंदन स्टोन से इसे डेकोरेट करने के बाद यह राखी काफ़ी सुंदर लगने लगा है और इसके बीच में जो स्पेस खाली है उस पर मैं 3D आउटलाइनर ट्यूब की हेल्प से हार्ट बनाऊंगी। हार्ट बनाने के बाद इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। यह राखी कितनी झटपट और इजी तरीके से बनकर कंप्लीट हो गया है और ड्राई होने के बाद यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको दोनों राखी में से कौन सा राखी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राखी से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी डाला है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।